हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा तरीका जो कि आपके बालों को झड़ने से रोकेगा और उन्हें काफ़ी मजबूत, घना और काला बनाएगा। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उड़ गए हैं, आपके सिर से बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, आपके बालों की शाइन कहीं गायब हो गई है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप एक नींबू लीजिए, उसको बीच में से काट लीजिए और उस नींबू का रस निकाल कर आप उसे कॉटन की मदद से अपने बालों की जड़ों में अप्लाई कीजिए और अपने बालों को अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाकर उसे थोड़ा सा लगभग 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और 15 मिनट बाद अपने बालों में शैम्पू कर लीजिए। आप कोई घरेलू शैम्पू या फिर आप किसी माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको अपने बालों में नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बस आप इस महीने इस उपाय को 2 महीने तक, 1 से 1.5 महीने तक लगातार कर लीजिए, वीक में सिर्फ 2 बार। इससे आपके बालों का झड़ना रुकेगा, आपके बाल एकदम शाइनी, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनेंगे और आपके बाल जहाँ से भी उड़ गए हैं वहाँ दोबारा से ग्रोथ होने लगेगी। ये आपके बालों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है आपकी स्कैल्प में, या फिर खाज खुजली की शिकायत है या डेंड्रफ, तो ये उससे छुटकारा दिलाता है। क्योंकि जब हमारी स्कैल्प में खाज खुजली और किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, तो ये उस समस्या को दूर करेगा। तो ये तो हुआ मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।